बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आज हमने आपके साथ दो खबरें शेयर करनी हैं। पहली खबर तो कराची में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक है और दूसरी खबर नून लीग में शामिल होने वाले मुत्तहिदा के साबिक़ MNA के मुतालिक है। तो पहले हम दूसरी खबर पे बात कर लेते हैं। नून लीग में जो मुत्तहिदा के साबिक़ MNA शामिल हो रहे हैं, जैसा कि आपको भी पता चल गया होगा कि वो उनका नाम रज़ा हारून जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा दो और साबिक MNA MKMK वो भी शामिल होने जा रहे हैं। उनका नाम अभी क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन दो नाम और हैं और बहुत बड़े नाम हैं कराची के, वो भी मुस्लिम लीग में शामिल होने जा रहे हैं। तो बाकी इसकी तफसीलात जैसे जैसे आती जाएंगी आपको बताते जाएंगे। अब आते हैं हम अपनी पहली खबर की तरफ, यानी कि कराची में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए जिसके इमरान खान हिस्सा ले रहे हैं उनके मुकाबले में अब कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक साबिक MNA जो कि आजकल गैर फाल हैं वो नौ की नौ नशस्तों पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब वो मुत्तहिदा की प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और नौ की नौ नशस्तों पर वही इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनको उनका साथ कौन दे रहा है, उनको किसकी आशीर्वाद हासिल है, वो किसकी साये तले इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। कुछ खबरें तो हैं लेकिन चूंकि वो गैर मुसद्दका खबरें इसलिए आप तक गैर मुसद्दका खबर पहुंचाना मुनासिब नहीं है। वैसे वो कराची का बहुत बड़ा नाम है, मुत्तहिदा का भी बहुत बड़ा नाम है, आजकल गैर फाल है। आप लोगों को ये इशारा दे दूं कि मतलब जो मुत्तहिदा का मीडिया सेल है वही उसको वो देखते थे। अब देखें कि उनको इसकी इजाज़त मिलती है, उनके कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं नहीं होते क्या होता है, लेकिन इरादा है उनका कि नौ की नौ नशस्तों पर वो इलेक्शन लड़ें। अब इसका क्या नतीजा निकलता है, उनको किस मतलब किस तरह का कराची पे उसके असरात आते हैं उस इलेक्शन के, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही इस खबर की तस्दीक होती है इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे, नाम के साथ बताएंगे अगली वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा चैनल और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।